वेलकम टू सद्भावना न्यूज। बंगाल की खाड़ी में बने सिस्टम ने भोपाल समेत मध्य प्रदेश को फिर बारिश से तर कर दिया। नर्मदापुरम संभाग कमिश्नर रजनीश श्रीवास्तव ने बताया कि होशंगाबाद में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश से जिले में बाढ़ से हालात काफी बिगड़ चुके हैं, नदियां उफान पर आ गई हैं। स्थिति को देखते हुए सेना को बुलाया गया है, एनडीआरएफ की 2 यूनिट भी बुलाई गई। शाम तक सेना के हेलीकॉप्टर होशंगाबाद आएंगे। नर्मदा नदी का जलस्तर खतरे के निशान 964 से 4 फीट ऊपर 968.90 फीट पर पहुंच गया है और तवा डैम के सभी 13 गेटों को 30-30 फीट खोलकर 5,33,823 क्यूसिक पानी प्रति सेकंड छोड़ा जा रहा है। कई क्षेत्रों में पानी भर गया है, जिसके बाद जिले भर में अलर्ट जारी कर दिया गया है। घाटों से दूर रहने की हिदायत दी गई है। खतरे के निशान से 4 फीट से ऊपर पानी बह रहा है और भी पानी का जलस्तर बढ़ने की संभावना है। होशंगाबाद के आध्यात्मिक मंदिर काले महादेव में मां नर्मदा ने प्रवेश किया। होशंगाबाद एवं इटारसी की अनेकों कॉलोनियां जलमग्न हो गई हैं। घाट से सटे सभी क्षेत्रों में पानी का जमाव हो चुका है। वहीं जमानी सब स्टेशन भी पूरी तरह जलमग्न हो चुका है। सब स्टेशन में लगभग 3-4 फीट पानी भर चुका है और बिजली सप्लाई भी पूरी तरह से ठप हो चुकी है। वहीं इंदिरा सागर बांध का पानी तेजी से ओंकारेश्वर बांध में आने के कारण इस सीजन में पहली बार बांध के 23 में से 21 गेट खोले गए। महाप्रबंधक प्रशांत दीक्षित ने बताया, 21 गेट खोलकर और 8 टरबाइन से 10,000 क्यूमिक पानी छोड़ रहे हैं। वहीं बांध प्रबंधन से सूचना मिलने के बाद सभी घाटों को खाली करवा लिया गया। किसी भी श्रद्धालु या व्यक्ति को नर्मदा किनारे नहीं जाने के निर्देश दे दिए गए थे। प्रदेश में सबसे ज्यादा 12 इंच बारिश दर्ज की गई। नदी नालों का पानी कॉलोनियों में घुस रहा है। वहीं छिंदवाड़ा में 2.7 इंच बारिश हो चुकी है, जिससे नदियों का पानी सड़कों पर आ जाने से सभी रास्ते बंद हैं और वाहनों की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं बाढ़ जैसी हालत महर्षि नगर कॉलोनी की है, ऐसे ही तिरुपति नगर कॉलोनी और पुरानी इटारसी और इटारसी के अधिकतर स्थलों का यही हाल है। मैं राकेश मालविया सद्भावना पाती से। Powered by Arthros Clinic, a dedicated center for arthroscopy and sports injuries.